हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए आज मैंने बहुत सुंदर सा हेयर बैंड लगाया हुआ है और उसी तरह की एक सुंदर सी रेसिपी लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे खीरा को तो कुकुम्बर को हम लोग ग्रेट कर लेंगे ताकि उसका जूस मिल सके हम लोगों को हम सब लोग को पता है कि कुकुम्बर हाइड्रेशन स्किन के हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा एलिमेंट होता है इसके साथ ही स्किन के मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और जो ब्राइटनिंग होती है अन ईवन स्किन होती है उसको ईवन बनाता है तो कोकुम्भर आपकी स्किन के हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा एलिमेंट है इसको आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं दूसरा है विटामिन सी का रिच सोर्स लेमन आपकी स्किन के लिए लेमन एक वरदान की तरह है आपके ब्लेमिश पिगमेंटेशन सबको दूर करता है थर्ड एलिमेंट जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है चंदन पाउडर एक तो फ्रेगनेस बहुत अच्छी देगा ऊपर से बहुत अच्छा वर्क करेगा फिर ये है पील है ऑरेंज के छिलके का पाउडर था और लास्ट में ये ओट्स का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करेगा आपके स्किन को इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम टर्मरिक भी क्योंकि टर्मरिक की वजह से एक तो स्किन हेल्दी हो जाती है दूसरा इसके पास एंटी प्रॉपर्टी होती है तो कोई भी इन्फेक्शन या इस तरह की कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है इसको ये बहुत अच्छे से ओवरकम करता है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे चूँकि ये फेस पैक थोड़ा लिक्विड है कंसिस्टेंसी में तो आप चाहें तो उस ब्रश यूज़ कर सकते हैं को या कोई और भी एप्लीकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैक को लगाने के लिए और उसके बाद पूरा इवेंटली इसको स्प्रेड करिए और अगर आपको ज़्यादा देर तक रखना है तो एक कोट और करिए जब ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाए तो एक कोट और करिए इसको और उसके बाद देखिए मेरा ये पैक ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको उतार रही हूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है अच्छे से आप इसको पहले वाइप आउट कर लीजिए गीले कपड़े के हेल्प से लेकिन कपड़ा बहुत गीला सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि उतारते ही स्किन पे एक अज, अज, बहुत अच्छी सी रंगत दिख करके आ रही है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रही है स्किन जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ कुकुम्बर जूस अब आप, आप जब इसको अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए तो अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो भी जरूर लीजिएगा धोने से क्या होता है कि स्किन की जो थोड़ी बहुत खिंचाव रहता है स्किन में वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है आप चाहें तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज़ कोई ज़रूरत है नहीं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके बहुत काम की हुई होगी अगर अच्छी लगी होगी वीडियो मेरा हेयर बैंड अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में